Now children, see, our sun is in the middle and our earth is taking around of the sun on its orbit. And children, see here, when our earth gone in this position, then this is too far from the sun, and this northern area is in the back of the sun and southern part is in the front of the sun. So this part is too nearer the sun, that's why summer season is here and winter season is in the back side, northern side. Okay, now it moves and turn here, and children see here, this area is closer to the sun and this side also same distance are here, so that here both the southern and northern side are equally faced to the sun. That's why here spring and autumn seasons are there. Now same condition here, this side again, when our earth came, it is too far from the sun, and that's why, but this side, northern side, is the is the front of the sun, so that summer is here and in southern part winter is here, it means in back, and after that again earth come here, and this is equal distance from the both side, and both northern and southern faced are in the front of sun, so that not too much hot and not too much cold here, so that autumn and spring season is here. बच्चों आपको समझ में आया कि कैसे मौसम चेंज होता है? आया आपको समझ में? ठीक है, मैं फिर से आपको बताती हूँ. देखिए, जैसा कि हमारा सूरज क्या है, मिडिल में है और पृथ्वी चारों तरफ इसकी परिक्रमा कर रही है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है, और वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है. तो जब ये घूमते घूमते इस पोजिशन पे आती है, क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है वो क्या है, ओवल शेप में है, तो जब इस पोजीशन पे आता है हमारा अर्थ, तो ये क्या है, सन से दूर हो जाता है. लेकिन इसका फ्रंट फेस, जो हाफ पे फेस आपका सूरज के सामने रहता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे समर सीजन होता है, ठीक है. तो मान लीजिए यहाँ पे आपका साउथर्न फेस सामने है, ठीक है, तो यहाँ समर सीजन हो गया, और नॉर्थर्न फेस क्या है, वो बैक में आ गया, ठीक है. यहाँ पे किरणें क्या है, तिरछा पहुंच रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विंटर सीजन. इसी तरह से फिर पृथ्वी उस ऑर्बिट पे घूमते घूमते आगे बढ़ी, और यहाँ पे देखिए जब इस पोजीशन पे आई, तो ये ओवल का वो पोजीशन, मिडिल पोजीशन है, जो दोनों साइड इक्वल ले आता है हमारे अर्थ को, और यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग और ऑटम सीजन होता है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे नॉर्थर्न साइड और साउथर्न साइड दोनों फेस जो है सन के सामने होता है, इक्वली होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड होता है. इसी तरह से जब पृथ्वी आगे बढ़ के यहाँ आती है और वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो जो पार्ट सन के सामने होता है, नजदीक होता है, वहां क्या हो जाता है, समर हो जाता है. जैसे मान लीजिए नॉर्थर्न पार्ट फिर घूमते घूमते ये इस साइड आ गया, तो नॉर्थर्न पार्ट में अभी समर हो गया, जब उस साइड था तो वहां विंटर था, ठीक है. और इसी तरह से साउथर्न पार्ट में क्या हो गया, विंटर हो गया, क्योंकि वो पीछे चला गया, किरणें वहां तिरछे पड़ने लगी, ठीक है. तो इस तरह से ये जो है पूरा होल ईयर चलता रहता है. 365 डेज मैंने बताया था, और 1/4 छह घंटे जो लगते हैं पृथ्वी को परिक्रमा करने में सन का. तो इस तरह से मौसम भी क्या होता है, उसके साथ साथ चेंज होता है. मौसम चेंज होता है तो आपको महसूस होता है, हाँ, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, सन क्या दिखता है, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है, हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी लगती है, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पे पड़ते रहती है. लेकिन इसी तरह से विंटर, विंटर यानी ठंड के मौसम में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगता है, ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है, बर्फ भी गिरते हैं, ठीक है, इस तरह से बर्फ गिरते हैं, और वो विंटर सीजन होता है. और उसके बाद आइए ऑटम. ऑटम में क्या होता है, पेड़ के पत्ते झरने लगते हैं, ठीक है, तो उस समय ऑटम सीजन आ जाता है.
और इसी तरह से स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है, चारों तरफ हरा भरा रहता है, फूल खिले रहते हैं, तो उसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ गए हैं।